शादी का सपना हर किसी का होता है और हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ पार्टनर के साथ उसका जीवन सुखमय हो और उसके सारे सपने साकार हों। लेकिन ऐसे में अगर लाइफ पार्टनर आपके साथ जालसाजी का ऐसा घिनौना खेल खेले जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। हम आपको ऐसी दुल्हन की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने जालसाजी के ऐसे कारनामे किए कि हर कोई तंग रह गया। मैं 21 तारीख की शादी हुई मेरी 3 दिन पहले, और 3 दिन बाद ना जेवरे 50-60 हज़ार रुपये ले गए चली गई। कौन चली गई? पत्नी। जिस दुल्हनिया की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह एक मुस्लिम युवती है जिसने धोखाधड़ी का जाल बुनकर पहले हिंदू रीति रिवाज से बुलंदशहर के रहने वाले युवक से शादी रचाई, लेकिन यह नहीं बताया कि वह मुस्लिम लड़की है। ये लोग दनकौर गए वहाँ पे जहाँ से इन्होंने किया था, तो वहाँ से जो ये बिचौलिया है ये मॉमडन लेडी है, इसका नाम समीना है, और ये मुझे तो ये लग रहा है कि इसका यही काम है, पैसे लेती है और फिर लड़की को बहका के भगा देती है। हाँ, ये हिंदू बताई गई थी, लेकिन आज जब मैंने इसका आधार कार्ड देखा तो उसमें इसका नाम समीना है, तो ये मॉमडन है और ये इसके पास आधार कार्ड है। जब झूठ बोल रही थी मेरे पास आधार नहीं है, लेकिन इसके पास आधार कार्ड है। दूल्हा राजा के सपनों की दुल्हनिया पलक चपकते कैसे गुल हो गई, आप खुद सुनिए। आज जो आप थाने आए, क्या पूरा मामला? मैं 21 तारीख की शादी हुई मेरी 3 दिन पहले, और 3 दिन बाद ना जेवरे 50-60 हज़ार रुपये ले गए चली गई। कौन चली गई? पत्नी। कहाँ चली गई? अपने पिया। अच्छा, किसने शादी कराई थी? साविर ने, बिचौलिया ने। बिचौलिया ने, हमने 50 हज़ार रुपये दिए। अच्छा, 50 हज़ार रुपये किस बात के लिए थे? गरीब घर लड़की है, वो कह रहे इनमें लगा देंगे हम, तो उसने शादी के नाम से हमने दे दिए खर्चा के लिए, उधर से भी अपना गए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इस मुस्लिम युवती ने जालसाजी की सारी हदें पार की। दरअसल लुटेरी दुल्हन अकेली नहीं है, बल्कि पूरा गैंग इसके साथ है। दुल्हन की रिश्ते में मौसी बताने वाली युवती का असली नाम समीना है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसने जालसाजी का जाल बुनकर चंद्र प्रकाश को मुस्लिम युवती से शादी रचाने के लिए यह कहते हुए तैयार किया कि वह हिंदू लड़की है। इसको लेकर चंद्र प्रकाश ने शादी कर ली, लेकिन शादी के तीसरे ही दिन चंद्र प्रकाश अपनी दुल्हनिया को लेकर घूमने निकले तो दुल्हनिया ने चंद्र प्रकाश से मिठाई लेने की इच्छा जाहिर की, और जब तक चंद्र प्रकाश वापस आता वहां से लुटेरी दुल्हन नकदी और जेवरात लेकर फरार हो चुकी थी। ये मिठाई ले रहा था, ये अपना पूरा जेवर वगैरह पहने हुए थी और पैसे भी थे इनके पास में। भाई मिठाई लेने लगा और ये वहां से फरार हो गई। थोड़ी दिन पहले शादी हुई। 2 दिन पहले शादी हुई थी और तीसरे दिन लोग ये घूमने गए और चौथे दिन वहां से ये गायब हो गई। जब चंद्र प्रकाश अपनी दुल्हनिया को ढूंढते ढूंढते थक गया तो वह सीधे थाने पहुंच गया, और तब जाकर इस लुटेरी दुल्हन के गैंग का पर्दाफाश हो सका। मेरा नाम समीना। समीना जी, आप पर आरोप है कि आपने एक शादी कराई थी। नहीं सर, कराई थी नहीं सर, मैंने इसमें फंस गई थी, मुझे इस बार मुझे पता नहीं कैसे। इन्होंने मुझे फोन करके घर से आए थे, बोले का नाम समीना, तो जी हाँ ना, मैं बोल किस लिए, बोले ऐसा सब बात है, मन के भाई मुझे हाथ जोड़ो, मैं तुम्हारे पीछे ना। जो जो लड़का के परिवार वाले वो कह रहे आप मौसी बनी थी। नहीं, वो थे वो जो बिचौलिया था, बोला का नाम तुम आ जाओ, मन के नहीं मैं नहीं आऊँगी। मैंने मैंने लड़की से आपका क्या रिश्ता है? लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो वो ही लड़की लेकर आया था। लड़के वालों का आरोप है कि आपने पैसे लेके शादी कराई थी, कितने रुपए मिले थे आपको शादी कराने? मुझे तो कुछ नहीं मिला, 4 हज़ार रुपये मिले थे, उसने ही अपने पैसे रख लिए। किसने दिए थे 4 हज़ार रुपये? वो साबिर ने। साबिर ने क्या करते हैं साबिर? वो मुझे इतनी पता नहीं, बस मैं तो इसी मैटर में मुझे बुलाया था। आपको 4 हज़ार रुपये क्यों दिए थे साबिर ने शादी कराने के लिए? बोले गाना में तुम ये ले लो और तुम ऐसा कह देंगी। क्या कह दिए? मौसी बन जाएंगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मौसी बन जाएंगी। हाँ। रेखा। रेखा जी, आप थाने क्यों आई हैं? हमने जो ये शादी करी थी, हमने 50 हज़ार रुपए दिए थे। हाँ। और हमने शादी करी। हाँ। शादी के बाद में फिर जो हमने तीसरे दिन हम मिलाने के लिए ले गए थे। हाँ। अब मिलाने के बाद में फिर ये जो वहाँ पहुँचे सिकंदराबाद में मिठाई ली थी, मिठाई के बाद में ये वहाँ से फरार हो गई है। किसकी शादी करी थी? अपने देवर की। अच्छा, तो हाँ, क्या क्या लेके चली गई? ये 50 हज़ार रुपये और जो जेवर हमारा सा जेवर ले गई है ये। और अब कोई पुलिस ने पकड़ लिया है? हाँ। किसको पकड़ा है? लेडीज है। अच्छा। हाँ। बिचौलिया और हाँ, उनकी रिश्तेदार। हाँ, है कोई? हाँ।
अच्छा, क्या बता रही थी रिश्तेदारी में? तो ये रिश्तेदार में कभी कहीं की बताती हैं, कभी बिलासपुर की बताती हैं, कभी कह देती कि मैं सिकंद बुलंद शहर की हूँ। क्या लगती है रिश्ते में? रिश्ते में मौसी। अच्छा, हाँ। क्या दुल्हन नहीं मिली? नहीं मिली वो।